नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक एमपी एग्ज़ाम के इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपसे एक टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ जो दो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो वो जो कि पहली बार इस एग्ज़ाम को देंगे या जो पहली बार सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और एक वो जो बहुत सालों से इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं पर अनफॉर्चुनेटली इसे क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या आप सच में MPPSC या फिर क्या सच में आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो क्या आप उसके लिए सीरियस हो, और दूसरी बात हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप सीरियस हो तो क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है जो क्वालिटी आपको उस पोस्ट पर जाने के लिए चाहिए। बिकॉज रिमेंबर माई फ्रेंड, UPSC या फिर MPPSC या किसी भी स्टेट का सिविल सर्विस का एग्ज़ाम इतना बड़ा और इतना कठिन इसलिए होता है क्योंकि इसके बाद जो पोस्ट आपको मिलती है ना, उस पोस्ट पर हजारों लाखों जिंदगियां डिपेंड करती हैं। जब आप कहीं पर जाकर के कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर बनते हो ना यार, तो वहाँ का एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का चार्ज आपके पास होता है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, जितनी भी वहाँ की पॉपुलेशन होती है, वो सब आप पर डिपेंड होती है। अगर वहाँ कुछ भी होता है तो ओनली यू आर वन जिन्हें सभी लोगों को बचाना है, जिसको सभी लोगों की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है और सभी लोगों को और इंडिया को बेटर कंट्री बनाना है। तो यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब इतनी बड़ी पोस्ट के लिए आपको चुना जाता है तो बहुत मुश्किल एग्ज़ाम आपका लिया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो हीरे होते हैं जो वहाँ पर पहुँचते हैं। और आपको हीरा अगर बनना है ना तो कोयले से तो निकलना पड़ेगा यार, और जब कोयले को इतना तपाओगे इतना तपाओगे इतना तपाओगे तब जाकर के वो हीरा बनता है। तो आखिरकार हम किसी भी चीज को तो हीरा नहीं बोलते ना, हजारों लाखों करोड़ों जब बहुत सारा कोयला होता है उसमें से कुछ हीरे निकल करके आते हैं, तो उस हीरे की क्वालिटी क्या होती है, बस उसी क्वालिटी को हमें आज डिस्कस करना है कि आखिरकार अगर एक एस्पिरेंट सीरियस है तो वो क्यों है, और कैसे कुछ इंसान टॉपर बन जाते हैं और कैसे एक इंसान इसी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाता है। तो कुछ क्वालिटी तो होती होगी, और अगर नहीं है तो ये क्वालिटी होना चाहिए, और अगर नहीं है ना यार तो फिर इस एग्जाम को छोड़ो और दूसरा काम करो, क्योंकि आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। कई बार हम क्या करते हैं, उस चीज के लिए अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी लगाते हैं और शायद वो चीज हमारे लिए नहीं होती, क्योंकि याद रखना हर इंसान के लिए एक अलग ड्रीम है, हर इंसान के लिए एक अलग रास्ता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ हमें यह डिस्कस करना है कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर इस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो तो कुछ क्वालिटीज तो आपके अंदर होना चाहिए जो हर एक सीरियस एस्पिरेंट में होती है। ओके, सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आर यू रियली सीरियस अबाउट MPPSC, और क्या आप वाकई डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं या फिर एक भीड़ है जो अभी चल रही है। आज से कुछ सालों पहले ऐसी ही भीड़ इंजीनियर के लिए थी, कुछ सालों पहले बहुत सारे लोगों ने, जिनमें से मैं भी एक था, हम सब ने मिलकर के मैथ लिया और अपने पैशन को अपने इंटरेस्ट को छोड़ दिया, क्योंकि वो एक हाइक था कि सब इंजीनियरिंग करो फिर जॉब मिल जाएगी, एवरीथिंग वाज देयर। और आज भी यही हो रहा है, अपने सराउंडिंग्स में देखिए हर जगह आपको वही लोग मिलेंगे कि UPSC की तैयारी, MPPSC की तैयारी, सबको सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, और वो ट्रेंड होता है, दिस इज द ट्रेंड जो भी चल रहा है। एक जमाने एक टाइम के बाद ये भी खत्म होगा। लेकिन सच बताऊं यार, बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और शायद जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी इस एग्ज़ाम के लिए, वो इसकी कीमत भी जानते हैं। इसलिए पता है बेटर क्या है, बेटर यह है कि सबसे या तो आप इस एग्ज़ाम में जा रहे हो तो पूरे मन से जाओ और पूरा झोंक दो अपने आप को कि वो चीज़ें सब करो जो इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए ज़रूरी है, या फिर नहीं कर सकते ना तो अभी से मत करो, वो चीज करो जिसमें फिर आपको सक्सेस मिल सकती है, यहां मत आओ। क्लियर? तो जस्ट डिस्कस कि आखिरकार एक बेहतर एस्पिरेंट कैसे बनता है और आखिरकार एक बेहतर एस्पिरेंट की क्वालिटी क्या होती है। सबसे पहली बात पता है क्या होती है? क्लैरिटी ऑफ माइंड। आप दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा करके देख लो, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा करके देख लो, द वन थिंग विच वॉज क्लियर इन द माइंड की क्लैरिटी होती है दिमाग में। अगर ये करना है मतलब करना है, दैट्स इट, कोई उसके आजू बाजू नहीं होता। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि यार मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, मुझे सिविल सर्विस क्रैक करनी है, तो यार फिर तुरंत ये क्यों सोचते हो कि इसका बैकअप क्या होगा? अच्छा ये नहीं, अच्छा इसके साथ में दूसरा एग्जाम भी तो दे देंगे, ये भी तो कर लेंगे, वो भी तो कर लेंगे, अच्छा ठीक है ये नहीं हुआ तो फिर ये कर लेंगे, अच्छा तुरंत ये अपॉर्चुनिटी मिल गई तो यहां चले जाएंगे।
अगर डिसाइड किया है कि मुझे सिविल सर्विस करना है तो फिर इतने सारे डाइवर्जन क्यों हैं? पता है एक सिविल सर्वेंट का रास्ता और दूसरे रास्तों में अंतर क्या होता है? जब एक बंदा जो सक्सेसफुल होता है ना, उसका रास्ता ऐसे होता है, ये एक सक्सेसफुल इंसान का रास्ता है और वो इस रास्ते पर ही चलता है। उसे लाइफ में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारी। यहां पर कुछ उसे खूबसूरत गार्डन्स भी मिलेंगे, यहां पर जाकर के उसे छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, कुछ उसे रेगिस्तान भी मिलेंगे, लेकिन वो अपने रास्ते को डाइवर्ट नहीं करता, वो अपने रास्ते पर सीधे ही जाता है। और पता है जो बहुत सारे इंसान होते हैं 98% उनका रास्ता क्या होता है? वो ये स्टार्ट करते हैं सक्सेस पाने के लिए, फिर उनकी लाइफ में यहां एक डाइवर्जन आता है, वो यहां तक जाते हैं और फिर यहां से वापस आ जाते हैं, फिर यहां आएंगे फिर डाइवर्जन आएगा, फिर यहां आएंगे फिर डाइवर्जन आएगा, और वो कभी सफल नहीं हो पाते। और उन्हें मिलता है, मैं ये नहीं कहता कि वो फेल है, बट उन्हें वो नहीं मिलता जिसका ड्रीम उन्होंने देखा था। याद रखना, दुनिया में 100% लोग ड्रीम देखते हैं हर चीज को अचीव करने का, पर उनमें से सिर्फ 3% होते हैं जो एक्चुअली अपने उस ड्रीम को पूरा कर पाते हैं जो उन्होंने देखा था। बाकी 97% लोग अपने ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज करते हैं और वो काम करते हैं जो शायद उन्हें करना नहीं था लेकिन वो करना पड़ रहा है। सो दोस्त, सबसे पहली बात तो जो कुछ भी आप कर रहे हो, जस्ट मेक क्लियर कट माइंड कि अगर ये करना है मतलब ये करना है। बीच में बहुत सारी अच्छी चीजें भी आएंगी जो आपको वहां से डाइवर्ट करेंगी, और बहुत बुरे मूवमेंट भी आएंगे जो आपको वहां से डाइवर्ट करेंगे। बट रिमेंबर, अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो कर लिया है, अब आपका रास्ता यही होना चाहिए, अब आपका रास्ता यही होना चाहिए। आपका रास्ता ज्योग्राफी की लैंग्वेज में हिमालय की नदियों के जैसा होना चाहिए कि बीच में पहाड़ आएगा ना तो पहाड़ को तोड़ के निकल जाएंगे यार, लेकिन अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। पहाड़ तोड़ देंगे लेकिन अपना रास्ता नहीं बदलेंगे, ये खास बात होती है हिमालय नदियों की। तो उस तरह का आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए, उस तरह की क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद सेकंड चीज होती है स्ट्रांग रीजन। हर एक काम को करने के तरीके होते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई भी काम आप कर रहे हो ना सीरियस होके, तो उसके तीन बातें होती हैं। पहली बात, भीड़। कोई रीजन नहीं है आपके पास, कोई रीजन नहीं है, बस हमें सिविल सर्विस क्यों करना है, क्योंकि पापा ने कहा था कि शर्मा जी के लड़के ने सिविल सर्विस की है तो हमको भी सिविल सर्विस करना है। पापा ने कहा था, देखा था हमारी फैमिली में कि एक इंसान गया था, उसने एग्जाम दिया था, वो सिविल सर्वेंट बन गया, अब हमें भी अपनी शान को बढ़ाना है। यार मेरा दोस्त जा रहा है इसलिए मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, यार मुझे ना इंदौर और दिल्ली में बहुत अच्छा लगता है, वहां पे मुझे बाहर निकलना है अपने शहर से, इसलिए मुझे सिविल सर्वेंट की तैयारी करनी है। ये कोई रीजन ही नहीं होते, और अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम लोगों का रीजन यही होता है, तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कुछ नहीं पता, बस कर रहे हैं। ओके, एटलीस्ट ये नाम तो रहेगा कि चलो मैं तैयारी कर रहा हूं। क्लियर। अब दो लोग होते हैं जो एग्जाम को सक्सेस करते हैं, और दोनों के रीजन भी बड़े अच्छे होते हैं। पहला रीजन होता है एक प्रेशर, एक प्रेशर है, आप तैयारी कर रहे हो, एक प्रेशर है आपके ऊपर कि अगर नहीं करोगे तो लाइफ खत्म है। बिकॉज बिहार में अगर मैक्सिमम लोग तैयारी करते हैं तो दे लाइक कि यार अब ये करेंगे या फिर कुछ नहीं करेंगे, लाइफ है, बस दैट्स इट, वी हैव टू डू इट। क्लियर। तो एक होता है प्रेशर कि वो आपके सराउंडिंग्स का प्रेशर आपके ऊपर इतना ज्यादा है ना कि आपके पास दूसरा रास्ता नहीं, वो करना ही पड़ेगा आपको। और दूसरा जो सबसे बेहतर होता है, जो ना सिर्फ आपको एक ऑफिसर बनाता है बल्कि आपको बेस्ट ऑफिसर बनाता है, वो होता है आपकी जील, वो होता है करना है यार, वो फील होता है करना है, आई हैव टू डू इट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट, मुझे IAS बनना है बिकॉज आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि आप देश की सेवा करना चाहते हो सकता है कि आप इंडिया से करप्शन को दूर करना चाहते हो सकता है कि आपको वो लबासना की ट्रेनिंग याद आती हो सकता है कि आपको वो बत्ती वाली गाड़ी, हालांकि अब लाल बत्ती तो नहीं रही, पर आपको वो कलेक्टर लिखा हुआ चाहिए हो, डिप्टी कलेक्टर लिखा हुआ चाहिए हो सकता है कि आपको वर्दी का शौक हो, पर कुछ तो है ना। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा समाज सेवा को ही अपना पूरा का पूरा पर्पस बनाओ, पर्पस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सोसाइटी को तो सर्व करना है, अल्टीमेटली आपको समाज सेवा करनी है, पर यू शुड हैव अ रीजन ना, एक कारण तो हो आपके पास, कुछ तो वो चीज हो जो आपको आकर्षित करे। तो वो जो कुछ भी आपका रीजन है, पर अगर वो ये वाला है ना
कि यार आई वॉन्ट टू डू दिस, क्योंकि ये मेरा मुझे अंदर से मतलब आई फील इट कि मुझे करना है, देन यू आर एट द बेस्ट प्लेस. फिर आपको कोई नहीं रोक सकता यार, क्योंकि वो आपने डिसाइड किया है कि आपको बस ये एग्जाम क्रैक करना है, आपका जो भी रीजन हो, बट एक स्ट्रांग रीजन होना चाहिए. क्लियर? जैसे कि मैं अतर आमिर खान को सुन रहा था, आप सभी जानते हैं कि आईएएस ऑफिसर हैं. उन्होंने बहुत अच्छी बात कही जब वो सेमिनार में थे, इंदौर के सेमिनार में आए थे. तो उन्होंने कहा था कि व्हेन आई सी द सिचुएशन ऑफ द कंट्री आई फील कि मुझे इसके लिए कुछ करना है. और जब जब मैं डिमोटिवेट होता था ना किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आई जस्ट फील माई कंट्री. मैंने हमेशा अपने देश को फील किया है और हमारे देश की प्रॉब्लम को फील किया है, और हमेशा सोचा है कि जब मैं ऑफिसर बनूंगा तो आई विल डू माई लेवल बेस्ट कि मैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकूं. आपका अपना एक रीजन हो सकता है, जो भी आपका रीजन है, जस्ट टेक योर रीजन और उसके ऊपर काम करो. ओके, नेक्स्ट थिंग, बिलीव एंड स्टिक. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा. क्लियर? फिर आपने तैयारी की भी होगी, आप गए भी होगे क्लासेस, आपने सिलेबस भी देखा होगा और सारी चीजें आपने की होंगी, पर सडनली आपको रियलाइज हुआ होगा कि नहीं यार, अब एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं. चलो ये भी सही था, बुराई नहीं थी, आपने एमपीपीएससी की तैयारी स्टार्ट की. फिर आपको और रियलाइज हुआ होगा कि नहीं यार, अब हम एमपीएसआई की तैयारी करते हैं. अब हम क्या करते हैं? एमपीएसआई की तैयारी करते हैं. आपने यहां पर भी वर्क किया होगा, थिंग्स विल बी देयर. फिर आपने और सोचा होगा कि यार, अब कोई भी व्यापम का एग्जाम निकल जाए उसी की तैयारी कर लेते हैं. जो भी एग्जाम आएगा, जो भी जितने भी एग्जाम आएंगे, हम सब एक एग्जाम की तैयारी करेंगे. तो आपने वो भी किया होगा, और फिर पता नहीं, आई विश इसके बाद पता नहीं क्या होगा. पर आप देख रहे हो, यही हमारे ड्रीम्स होते हैं, यही हमारे ड्रीम्स होते हैं. जब हम छोटे होते हैं ना, छोटे, आप एक छोटे बच्चे से पूछोगे उसे क्या बनना है, तो वो आंसर देगा कि उसे शक्तिमान बनना है. और मान लीजिए कि अगर उसे पता पड़ गया है कि कुछ स्पेस करके कोई जगह होती है, तो शायद वो कहेगा कि मुझे स्पेस में जाना है, मुझे अंतरिक्ष में जाना है, मुझे चांद पे जाना है. पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हमारे सपने भी छोटे होते जाते हैं. हाँ, आप बात आपको कि सर ये फिक्शन की बात है क्या, पर बात सोचो कि अगर उसी सपने को जिया जाए तो क्या हम चांद पे नहीं गए? क्या हम चांद पे नहीं जा सकते? क्या हमारा इसरो इतनी तरक्की नहीं किया है कि हम वहां नहीं पहुंचे? और जितने लोग वहां पहुंचे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग, तो वो इसलिए क्योंकि जो सपना उन्होंने बचपन में देखा था ना, वो हमेशा उन्होंने लाइफ के एंड तक देखा. क्लियर? बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे लोग जिन्होंने सिर्फ बिजली को देखा और उसे बना लिया. क्यों बना पाए वो? क्योंकि उन्होंने अपने सपने को कभी नहीं तोड़ा. उन्होंने बिलीव किया कि वो ये काम कर सकते हैं, इसीलिए वो ये काम कर पाए. तो पता है दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट यही है इस एग्जाम में कि ये एग्जाम बहुत बहुत परेशान करता है. क्लियर? ये शंकर जी की तपस्या करने के जैसा एग्जाम है यार, आसानी से नहीं मिलेगा दोस्त. बट अगर आप स्टिक रहोगे ना, अगर आप स्टिक रहोगे तो आज नहीं तो कल तो ये एग्जाम आपको मिल ही जाएगा. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितने एग्जाम्पल आप देखते हो जिन्होंने पांचवें छठवें अटेम्प्ट में एग्जाम को निकाला है. पर इंपॉर्टेंट यही है कि आप बिलीव करना मत छोड़ो. अगर आपको पता है कि आप इस काबिल हो कि इस एग्जाम को निकाल सकते हो, देन प्लीज ट्रस्ट योरसेल्फ. और एक एग्जाम पर, बहुत अच्छी कहावत है जो मैंने अपनी लाइफ में बहुत इंप्लीमेंट की है, कि एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए. क्लियर? स्टिक व्हाट यू बिलीव. ओके, अनदर थिंग, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एक और चीज जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट बहुत करते हैं और मैंने भी की है, सब ने की है, वो होता है टालना, चीजों को टालना. और दूसरी बात एक होता है ब्लेम गेम, ब्लेम गेम. ये दो चीजें मुझे लगता है हर एक स्टूडेंट की लाइफ से जुड़ी हुई है. एक होता है चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करना और दूसरा होता है ब्लेम गेम. हमेशा हर चीज को दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल बताना. मेरा एग्जाम नहीं निकला क्योंकि मेरा रूम अच्छा नहीं था, मेरा एग्जाम नहीं निकला क्योंकि मैं अच्छी कोचिंग में नहीं था, मेरा एग्जाम नहीं निकला क्योंकि मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मेरा एग्जाम नहीं निकला क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया. दिस दी वी ऑल हैव द ग्रेट रीजंस यार. एक स्कोप है, एक इतना बड़ा स्कोप है कि हर चीज खत्म होगी ना, लेकिन कभी किसी के बहाने खत्म नहीं होंगे. ये बात याद रखना, दुनिया में हर चीज खत्म हो जाएगी लेकिन बहाने खत्म नहीं होंगे. क्लियर? सो द वेरी फर्स्ट थिंग, कि अगर आप फेल कर रहे हो, अगर आप फेल कर रहे हो, देन से योरसेल्फ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो यार.
और कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लोगे, जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लोगे, तो ये कैसे पता करोगे कि आखिर आपकी गलती क्या है। जब आप जिम्मेदारी लेते हो कि हाँ मैं गलत हूं, तभी तो आप अपनी गलतियां देखोगे और गलतियां देखने के बाद उन्हें सुधारोगे। इंपॉर्टेंट यही होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो मिस्टेक हम करते हैं, हम उन मिस्टेक्स को देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। लेकिन अगर आप सोचो कि अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट ही ना करो, तो फिर सुधारने की तो बात ही नहीं आती ना यार। द वेरी फर्स्ट थिंग कि आपको इतना जेनरस होना पड़ेगा कि जो गलती आपने की है, एक्सेप्ट इट एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया, इसीलिए मेरा एग्जाम नहीं निकला, पर अगले बार उसको करेंगे ना अच्छे से। लेकिन पहली बात तो यह है कि उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, देन चांस ही नहीं होता कि दूसरी बार उस एग्जाम को आप क्रैक करोगे, नो चांस एट ऑल। सो प्लीज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाटएवर जो भी आप काम करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, लिमिटेड सोर्सेस। ये एक बहुत बड़ी बात है सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट के लिए। अभी मेरी संपदा मैम से लास्ट में बात हुई थी, कुछ और टॉपर्स से मेरी बात हुई थी, तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। एक अच्छा एग्जांपल जो मुझे समझ में आया है, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे ही रूम से जो लोग हैं वो टॉपर्स बने हैं, सेलेक्ट हुए हैं, तो मैंने एक अंतर देखा कि मैं आखिरकार एज अ एस्पिरेंट क्यों फेल हुआ, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो उसका मैं आपको एक रीज़न खुद बताता हूँ, मेरी गलती क्या है, और शायद ये गलती आप मत करना, खासतौर पर वो लोग जो ट्वेल्थ के बाद तैयारी कर रहे हैं। पता है मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड रहता था जो अब ऑफिसर है, और हमारे पास दोनों के पास इतनी बड़ी अलमारी होती थी, दोनों के पास अलमारी थी, उसके पास भी थी और मेरे पास भी थी हॉस्टल में, क्लियर। मेरे पास जो किताबें थी उनसे ये पूरी अलमारी भरी रहती थी, और मेरे जो कपड़े होते थे वो अलग से मैं रखता था उनको, अलग से, क्लियर। पूरी अलमारी मेरी किताबों से भरी हुई होती थी, जितनी नई किताबें आएंगी वो मेरे पास आ जाएंगी, जितने नए नोट्स चाहिए वो मुझे चाहिए, किसी नोट्स के बारे में किसी ने कहा वो भी ले लेंगे, एक टॉपर ने कहा ये ले लो वो भी ले लेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी, सारी चीज़ें, एवरीथिंग वाज देयर। और पता है जो दोस्त था उसके शायद एक या दो रैक पर पूरी किताबें थी, फर्स्ट और सेकेंड रैक पर, बाकी उसका पूरा का पूरा अलमीरा में उसकी दूसरी चीज़ें हुआ करती थी, क्लियर। ऐसा नहीं कि मैंने किताबें नहीं पढ़ी, मैंने सारी किताबों को पढ़ा, दिस इज वन थिंग कि मैंने सारी किताबों को पढ़ा, लेकिन सिर्फ एक एक बार पढ़ा, क्लियर। लेकिन जो एस्पिरेंट होते हैं उनके पास इतनी ही किताबें होती हैं यार, इतनी ही, लेकिन वो इन किताबों को बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी है, तो दैट्स इट, सिर्फ एक ही पुस्तक पढ़ो ना पॉलिटी के लक्ष्मीकांत, और इतना उसमें अपने आप को पक्का कर लो कि खुद लक्ष्मीकांत सर आ जाए ना तो उनको आप बता दोगे कि सर आपके इस पेज पर ये लिखा हुआ है, क्लियर। आप पूछो तो सही, लेकिन उस किताब से अगर कुछ पूछ लिया ना तो बाहर नहीं जाएगा, क्लियर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं जब आप तैयारी करते हैं वो बहुत लिमिटेड हों। हम लगातार अपने मटेरियल को बड़ा करते रहते हैं, एक दो तीन चार पाँच बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। मेक श्योर कि आपका मटेरियल बहुत बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो, और उस मटेरियल का बहुत बार रिवीजन हो। इसके लिए मैं आपको ब्रूस ली का एग्जांपल दूंगा, सभी लोग जानते होंगे ब्रूस ली को, ही हैज बीन द आइडियल ऑफ मेनी पर्सन, क्लियर। ब्रूस ली, तो ब्रूस ली हमेशा कहते थे कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसको 10,000 किक्स आती है, मुझे उस इंसान से कोई फर्क नहीं पड़ता, डर नहीं लगता जिसको 10,000 प्रकार की अलग अलग किक मारना आता है, मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि उस एक किक को उसने इतना अच्छा कर लिया है ना कि बस एक अटैक करना है और सामने वाला खत्म हो जाएगा। दैट वॉज अमेजिंग थिंग, और यही चीज हमें सिविल सर्विस में लेकर के आनी है, किसी भी एग्जाम में लेकर के आनी है। देखो यार, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप एमपीपीएससी या किसी भी चीज़ का मेंस देते हैं, खासतौर पे एमपीपीएससी का मेंस देते हैं, आपको यहाँ पर हिस्ट्री आएगा, हिस्ट्री मान लेते हैं, टॉपिक उठाते हैं, तो यार हिस्ट्री के लिए अगर आप सोचो कोई भी क्वेश्चन आप उठा लो, अगर आपके पास 3 से 4 पॉइंट हर क्वेश्चन को लेकर के हैं, तो आई थिंक आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपको कितने पॉइंट चाहिए? आपको 3 से 4 पॉइंट चाहिए। अब उस 3 से 4 पॉइंट के लिए आप पहले जाकर के पता पड़ा, आपने एनसीईआरटी की रीडिंग लगा ली,
एनसीईआरटी से आगे बढ़ करके आपने बहुत ही सारे वीडियो भी देख डाले, एक वीडियो से मन नहीं भरा चार चार पांच पांच वीडियो डाले, फिर एक कोचिंग गए, फिर दूसरी कोचिंग का मटेरियल पढ़ा, तब जा करके आपने हिस्ट्री देखा, और आखिरी में जब एग्जाम देने जाओगे तो आपके हाथ में आएगा निलबटे सन्नाटा, क्योंकि आपको ये तीन चार पॉइंट भी याद नहीं आएंगे जो बेसिक है। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपने इतनी सारी किताबें पढ़ ली हैं और इतना सारा मटेरियल आपके दिमाग में भरा हुआ है कि ये तीन चार पॉइंट कहां से निकालोगे यार। तो इसीलिए जितना भी कर रहे हो ना, वही चीज है, पहली बात तो अपने दायरे को इतना लिमिटेड कर दो कि हमें इतनी ही किताबें पढ़नी हैं और इन किताबों को, हर किताब को हमें कम से कम 8 बार पढ़ना है, बस इतने पॉइंट्स चाहिए आपको प्रिपेयर करने के लिए, एंड दैट विल बी इनफ, दैट विल बी गुड। सो प्लीज रिविजन इज द की। जो भी आप पढ़ते हैं, हमेशा टीना डाबी जी का रूटीन देखिए, वो हमेशा कहती थी कि मेरे 2 घंटे हर दिन के, 2 आवर्स मैंने हर दिन सिर्फ किस काम के लिए दिए हैं, रिविजन के लिए दिए हैं। 2 घंटे सिर्फ मैंने रिवीजन किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आप रिवीजन को बहुत सीरियसली लीजिए। एंड देन मैडनेस, ये सबसे जरूरी चीज होती है, मैडनेस, क्लियर, मैडनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे सामने इसरो, इसरो के जितने भी साइंटिस्ट हैं, आप विक्रम साराभाई से सतीश धवन से लेकर के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर के सिवान तक जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, दे आर मैड, उनके ऊपर एक पागलपन सवार है। इंडिया एक ऐसा कंट्री, जैसे स्टिल हमारा देश अभी भी एक विकासशील देश है, पर आप देखें कि जो इसरो ने किया है वो कोई भी विकसित देश भी नहीं कर पाता, डेवलप्ड कंट्री भी नहीं कर पाता। और ये पता है कब पॉसिबल हुआ? जब हमारे साइंटिस्ट में एक पागलपन है कि ये करना है, कैसे भी करना है, 12 घंटे काम करेंगे, 24 घंटे काम करेंगे, लेकिन ये करेंगे जरूर, इसको करना है मतलब करना है। ओके, अगर कुछ भी चीज हुई, हम मार्स पर चले गए, हमने चंद्रयान के लिए एक बहुत शानदार मिशन लॉन्च किया, ऑलमोस्ट हम पहुंच गए यार, और उसके बाद भी हमने गिव अप नहीं किया। अभी फिर से अनाउंसमेंट हुआ, हम 2020 में फिर करेंगे, एंड आई ट्रस्ट इसरो, आई ट्रस्ट कि करेंगे यार, बिकॉज दे हैव द पीपल जो क्रेजी हैं बिल्कुल, दे जस्ट वॉन्ट टू डू इट। तो वो पागलपन बहुत जरूरी है। क्या आपको अपनी जॉब को लेकर के, क्या आपको अपने प्रोफेशन को लेकर के उतना पागलपन है? अगर है, देन दिस एग्जाम इज फॉर यू, नॉट ओनली दिस एग्जाम फॉर यू, दिस लाइफ इज फॉर यू यार, ये लाइफ फिर आपके लिए हो जाती है इफ यू आर मैड अबाउट योर एग्जामिनेशन। सो दैट मैडनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड एट लास्ट द गुड गाइड, यू नीड अ गुड गाइड टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। अब इस गुड गाइड वाले चैप्टर में निकल करके आता है कि सर ये प्रिपरेशन हम सेल्फ करें या फिर हम कोचिंग करें, और कोचिंग में भी सर ऑनलाइन तैयारी करें या फिर ऑफलाइन तैयारी करें। सबसे पहली बात तो आई वुड से कि दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू, बेस्ट कि आप सेल्फ अगर आप कर सकते हैं, इससे आगे तो कुछ है ही नहीं है, पर पॉसिबल नहीं हो पाता है, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बिकॉज हम सब कहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम सब जाकर के बड़ी बड़ी कोचिंग्स ज्वाइन करते हैं और लाखों रुपए वहां पर दे करके आते हैं, क्लियर, लाखों रुपए वहां पर हम दे करके आते हैं। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि कोई भी एक व्यक्ति, चाहे वो आपके सीनियर्स हो, चाहे ऐसे लोग हों जो बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके हों, सबसे पहली बात है यू नीड अ गाइड फॉर दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि यार इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, इतने वास्ट सिलेबस को अगर आपको कवर करना है, यू नीड समवन टू टेल यू कि ये करो, ये वो, ये मत करो, बिकॉज इस एग्जाम में जितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि हमें क्या पढ़ना है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें क्या नहीं पढ़ना है। और दूसरी बात, इतने ज्यादा रिसोर्सेस हैं आजकल कि उन सारे रिसोर्सेस को फिल्टर करना और फिल्टर करके फिर आपके सामने एक प्रेजेंटेशन देना, दिस इज नॉट ईजी राइट नाउ। दैट्स वाई कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है क्लासेस की, कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है एक मेंटोर की, क्लियर। तो प्लीज़ मेक अ गाइड, जिसको भी आपका आपको लग रहा है कि यू आर गुड इनफ, अगर आपको लग रहा है कि आप सेल्फ इसको कर सकते हैं, बट रिमेंबर, एक होता है सच में सोचना और दूसरा होता है आपका ईगो। बहुत सारे लोगों में एक ईगो भी होता है कि हम तो कर लेंगे, और एक होता है कि एक्चुअली मैं आप वो काम कर लोगे। सो प्लीज़ आस्क योर सेल्फ कि अगर ये काम आपसे खुद हो रहा है, देन दैट इज अ बेस्ट पार्ट, फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आई नीड समवन, देन टेक अ गुड गाइड,
एक अच्छे गाइड के साथ आपको जाना है, और जो कुछ भी आपको करना है फिर वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है, गुड गाइड, और फिर वहाँ पर जा कर के बात करो. ओके, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था. इसी गाइड वाली बात पर आई वुड लव टू टेल यू कि हमारा भी एक प्लेटफॉर्म है विच इज़ अ प्लस प्लेटफॉर्म, जहाँ पर इसलिए मत सोचना, प्लीज़ यार यहाँ पर स्टार्टिंग से मत सोचना कि दिस इज काइंड ऑफ मार्केटिंग, दिस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू. इसलिए सीरियस है कि प्लस पर वाकई में वो लोग हैं जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के जितने भी आपके अंदर ड्रीम्स है वो पूरा कर सकते हैं. बिकॉज आई रियली अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल यार, कि हर किसी के पास उतना पैसा हो जो वो लाखों रुपए कोचिंग में दे करके आए. ओके, और दूसरी बात, एक बार जब आप हमारे बारे में बुरा बोलते हैं, मैंने से कि व्हाट इज दिस एंड ऑल दैट, जस्ट आस्क योरसेल्फ कि कभी आप वो बड़ी बड़ी कोचिंग के बारे में कुछ बोलते हैं जहां पर आप लाखों रुपए दे करके आते हैं. क्लियर? सो दिस इज समथिंग कि अन अकेडमी प्लस एक सच में ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने बस आपके लिए काम किया है कि बहुत सारे जो लोग थे जो अलग अलग फील्ड में बेस्ट थे उनको एक जगह ला करके रखा है, और वो सारे लोग आपको मेंटर कर रहे हैं. सो इफ यू वॉन्ट टू टेक एनी गाइडेंस, देर इज नथिंग कि आपको उसके लिए चार्ज पे करना है, कुछ भी करना है, यू कैन टॉक टू अस, आप बात कर सकते हैं हमसे, एंड यू कैन टेक वट एवर यू वॉन्ट, लाइक एनी एडवाइस इफ वॉन्ट टू टेक. देर इज लाइक रोमन सर आपको वहां मिलेंगे, वहां पर आपको सिद्धार्थ सर मिलेंगे, वहां पर आपको पवन चौधरी सर मिलेंगे, और कुछ कमाल के एजुकेटर्स आपको वहां मिलेंगे हर एक कैटेगरी में. ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू टेक एनी एडवाइस यू आर रियली फ्री टू आस्क, आप जरूर हमको मेल करें, वी विल हेल्प यू इन दैट, जो भी हमारी तरफ से मदद होगी. और अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी पर लेंगे दैट विल बी ग्रेट, बिकॉज दैट विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि वहाँ पर अगर आप किसी भी चीज़ की बात करें, UPSC के लिए वी हैव सेपरेट कोर्सेज, फॉर द MPPSC वी हैव सेपरेट कोर्सेज. और ये सिर्फ इसलिए मत लेना, इसीलिए लेना जब आपको ये लगे कि यस यू नीड अ गाइडेंस, यू नीड अ गाइडेंस, यू नीड अ समवन दैट यू वॉन्ट कि यार हमारी हेल्प हो जाए, आपकी वो मेहनत बच जाए कि चार किताबें आपको पढ़ करके फिर अपने नोट्स बनाने पड़े. उससे बेटर है कि एक ऐसे इंसान से जो वहाँ पर काफ़ी सालों से अपनी फील्ड में बेटर हैं, जैसे कि मृणाल सर को भी आप जानते होंगे, क्लियर, वो आपके सामने वो प्रेजेंटेशन दें और आपका वो टाइम बचे और उसको आप कुछ बेटर प्रोडक्टिव काम में लगाओ और उसको अपने रिविजन में लगाओ. सो वंस आई वुड से इफ यू हैव अ टाइम देन प्लीज डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और वहाँ पर जो भी आपका गोल है, जैसे कि मैं खुद पर्सनली MPPSC में पढ़ाता हूँ, जहाँ पर इन्वायरमेंट, एथिक्स, इकोनॉमी, पॉलिटी और ज्योग्राफी जो 2019-20 का मेंस है उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, और किसी भी कैटेगरी में आप जाना चाहें जस्ट यू कैन गो एंड यू कैन यूज़ माई कोड SGLIFE, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी उस पर मिलेगा. ओके, दिस इज़ जस्ट अगेन फॉर दिस पर्पज दैट गाइज जस्ट थिंक योर सेल्फ, और ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी चाहिए बींग एस्पिरेंट. So, thank you so much. Thank you for the discussion.